निमेट्रिक्स में मौजूद जिस डीएनए सैंपल के इस्तेमाल से जेट स्लामवर्म में ट्रांसफॉर्म होती है वो है स्लामोइड। डायरेक्टली कहा जाए तो स्लामवर्म के स्पीसीज का नाम है स्लामोइड। ये प्रेडेटरी स्पीसीज हमेशा छुप के वार करते हैं, सो उनके शिकार को पकड़ना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये स्लामोइड स्पीसीज रहते कहाँ पे, इनका होम वर्ल्ड क्या है? स्लामोइड प्रेडेटरी स्पीसीज टेरस कवर प्लैनेट में रहते हैं, जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक प्लैनेट है, और इस प्लैनेट में टैल्पेडन्स भी रहते हैं, जो कि आर्माड्रिलो के स्पीसीज है। स्लामोइड टैल्पेडन्स का शिकार करते हैं। टेरस कवर एक रेतीला प्लैनेट है, यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होता है, और उन रेतों के अंदर स्लामोइड्स छुप के रहते हैं। जब उनका शिकार उनके नजदीक आता है तो स्लामोइड्स अचानक ही उन पर अटैक करते हैं। ये लोग टैल्पेडन्स के अलावा टेरस कवर प्लैनेट के कुछ दूसरे क्रिएचर्स का भी शिकार करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि टैल्पेडन्स के मेटालिक बॉडी को स्लामोइड कैसे कंज्यूम करता है? सभी नेचुरल प्रेडेटर्स की तरह स्लामोइड का बॉडी भी इस तरह डिजाइंड है कि वो इजीली अपने शिकार को कंज्यूम कर पाए। इसीलिए स्लामोइड के पास एसिड बॉल्स रिलीज करने का एबिलिटी है, और वो जो एसिड बॉल्स रिलीज करता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई भी मेटल को पिघला सकता है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि टैल्पेडन्स का बॉडी मेटल का होता है, इसीलिए स्लामोइड के एसिड बॉल्स जब उनके ऊपर लगते हैं तो उनका बॉडी भी पिघलने लगता है, और स्लामोइड्स इजीली टैल्पेडन्स का शिकार कर लेते हैं। अब स्लामोइड के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे आर्माडिलो और दूसरे टैल्पेडन्स के पास ये एबिलिटी है कि वो एक जगह से खुदाई करके अंडरग्राउंड होल्स के जरिए दूसरी जगह से बाहर निकल सकते हैं, वैसे ही उनके नेचुरल प्रेडेटर स्लामोइड के पास ये एबिलिटी है कि वो एक जगह से एंटर करके अंडरग्राउंड होल्स के जरिए दूसरे जगह से बाहर निकल सकता है। स्लामोइड्स अपने मुंह से एसिड बॉल्स रिलीज करते हैं, जिसके मदद से वो टैल्पेडन्स और दूसरे टेरेस कवर क्रिएचर्स का शिकार करते हैं। जो स्लामोइड कोई भी एक टैल्पेडन को अपने गले के अंदर लेता है तो वो उसके जॉइंट्स को फाइट कर लेता है, जिसके बाद वो टैल्पेडन्स के आर्मर को तोड़ देता है। अगर उसके वीकनेस की बात किया जाए तो स्लामोइड तब बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है जब उसके मुंह के अंदर से उसके ऊपर कोई अटैक करता है। यह हम लोगों ने तब देखा था जब डायमोनेट ने उसके मुंह के अंदर से ही उसके ऊपर अटैक किया था। विंटन ओमनियो सीरीज में हम लोगों ने कई बार स्लामोइड को देखा है। हम लोगों ने जेड को स्लामोइड के ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से देखा है। साथ ही हम लोगों ने खाइबर को टेरस कवर प्लैनेट में एक स्लामोइड का डीएनए कलेक्ट करते हुए देखा है। पेप्टोस एक्सट्रोप्लर प्लैनेट में भी एक स्लामोइड हमें देखने को मिला था। स्लामोम और स्लामोइड का नाम बेस्ट है ट्रिमोर सीरीज के क्राबर्ड्स के साथ। इसे तो आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा। स्लामोइड एक जियांट कीड़े जैसा दिखने वाला एलियन है, जिसका टीथ बहुत शार्प है। उसके बॉडी के आगे की तरफ जो 6 पैर हमें देखने को मिलते हैं, वो उसके किसी भी काम के नहीं है। उसके बॉडी का पिछला वाला पार्ट लैवेंडर और ऑरेंज कलर का है, और उसके बॉडी का निचला वाला पार्ट व्हाइट कलर का है। ठीक ऐसा ही बॉडी डिजाइन हमें रियल लाइफ के कुछ कीड़ों के पास भी देखने को मिलता है। स्लामोइड पहली बार अपीयर हुआ था विंटन ओमनियो सीरीज का इट वॉज देम एपिसोड में। तो कैसा आप लोगों की परी है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि स्लामोइड के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून।